हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं इस वीडियो सीरीज में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मान लो कि आपको कोडिंग कैसे करना है पता नहीं है, तो हम बिगिनिंग से कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ये मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो सेशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको जानना है कि कोडिंग कौन लर्न कर सकता है, तो कोडिंग लर्न करने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो, अगर आप अच्छी प्लेसमेंट के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो, अगर आपको ऐसे सोचना है कि आपको फ्रीलांसिंग करना चाहिए तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो, अगर आप अभी जॉब स्विचिंग की तैयारी में हो तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो, और अगर आपको ऐप डेवलप करने में, वेबसाइट डेवलप करने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो भी आप कोडिंग लर्न कर सकते हो। तो इसमें से कौन से भी पैरामीटर में अगर आप फिट हो रहे हो तो आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखना है हमें हाउ टू स्टार्ट द कोडिंग, कोडिंग को हमें कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड इन द कोडिंग। आपको कोडिंग स्टार्ट करने के लिए वेरी सिंपल से स्टार्ट होके देन आपको सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने हैं, उसके बाद आपको लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाना है, और उसके बाद आपको ह्यूज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। तो वन बाय वन आप ये सारी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। यही सारी स्टेप आपको अगर कोडिंग करनी है तो सिंपल कोडिंग पहले देख, वेरी सिंपल कोडिंग पहले देखो, मतलब कि कौन से भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर आप जा रहे हो तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद सिंपल अगर नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है सिंपल के लिए तो कंडीशनल लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट में जा सकते हो कि फंक्शन, एरेज, स्ट्रक्चर, क्लासेस वो क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना चाहते हो तो थोड़ा और जाके और मोर फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोडिंग पढ़ते हो, जानते हो, स्टार्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप इजीली कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, कोडिंग आपको अगर करना है तो आपको सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक मूव होना है, उसके लिए आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है। तो ये जो है वो ग्रोइंग ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्वियसली इसी ग्रोइंग ग्राफ की तरह आपका नॉलेज भी ग्रो होने वाला है जैसे ही आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि मुझे क्या पढ़ना है, व्हाट आई हैव टू लर्न इन द कोडिंग, राइट। आपको ये डिसाइड करने के बाद आपको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करने हैं, जो कोई आपकी इंटरेस्टेड लैंग्वेज होगी, फेवरेट लैंग्वेज होगी, अगर आपको लगता है कि ये मोर सिंपल लैंग्वेज है, जो कोई आपके रीजन है वो रीजन फॉलो करके आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, पीएचपी, एनीथिंग, जिसमें आप बहुत ज्यादा ऐसे सुटेबल हो, आपको लगता है कि साउंड नॉलेज है मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आई कैन डू इट, तो आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में बेसिक्स जो है, बेसिक चीजें जो है वो आपको लर्न करनी है, वो आपको पढ़नी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको उसमें आपको जो
चीजें हैं वो एकदम अच्छे से आने चाहिए, और जब वो आने लगते हैं तब आपको आगे जाके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होते हैं। अभी डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को जाने से पहले आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके, उसके प्रोग्रामिंग थ्रू आप बेसिक्स लर्न करके, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आप पहले मिनी प्रोजेक्ट्स करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करो, और उसके बाद आपको मेजर प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं, जो कि आपको करने के लिए कोडिंग की जरूरत होगी, और इसके साथ साथ आप आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रहे हो। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें क्यों कोडिंग करना है, हमें क्यों कोडिंग पढ़ना है, सीखना है, और क्यों सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पांच छह थोड़े से एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो आपको मोटिवेट करेंगे कि वाई टू लर्न कोडिंग। अगर आपको खुद की वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके लिए कोडिंग लगेगी। तो अगर आपको खुद की वेबसाइट डेवलप खुद से करनी है तो आपको कोडिंग सीखना जरूरी है। अगर आपको गेम्स डेवलप करने हैं तो उसके लिए भी कोडिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एप्स डेवलप करने हैं तो एप्स डेवलप करने के लिए भी कोडिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप कोई प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली फॉर अ प्लेसमेंट इन आईटी इंडस्ट्री कोडिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरा खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आपको कोडिंग आना जरूरी है। अगर आपको कोई नई चीजें सीखने हैं तो भी आपको कोडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको जस्ट मोटिवेट कर रही हूँ कि आपको कोडिंग क्यों पढ़ना है, और अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको कोडिंग में क्या आना जरूरी है, अगर आपको गेम्स बनाने हैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी गेम्स बनाने के लिए। वैसे ही चीज़ है फॉर एप्स, अगर आपको एप्स बनाने हैं तो क्या आपको आना जरूरी है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो तो कोडिंग में आपने क्या पढ़ना चाहिए जो आपको मदद करेगा प्लेसमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और अगर कोई नई चीजें आपको पढ़नी है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल को अगर तक अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपको फ्रेंड्स की इसकी ज़रूरत है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग।